आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के किसी खास खबर पर। रामगढ़ छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी सपन कुमार एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष विनोद किस्को दोनों के बीच चल रहे विवाद को लेकर इस विकट गर्मी में रामगढ़ की जनता पिस रही है। चार दिन पूर्व छावनी परिषद के सीईओ के द्वारा झाबुओ के जिला अध्यक्ष पर दुर्व्यवहार का आरोप मामले में SC ST थाने में शिकायत की गई थी। इसके बाद मामला थमने का नाम नहीं ले रखा है। दोनों के बीच के टकराव के बाद विवाद सड़क पर आ गया है। इस भीषण गर्मी में भी मंगलवार की शाम से रामगढ़ छावनी परिषद क्षेत्र में जलापूर्ति योजना ठप्प कर दी गई है। छावनी परिषद के कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण जलापूर्ति योजना के साथ साथ साफ सफाई का कार्य भी बाधित। रामगढ़ छावनी परिषद के सैकड़ों कर्मचारी मंगलवार सुबह 10 बजे से कार्यालय गेट के समक्ष हड़ताल पर बैठ गए थे। झारखंड के रामगढ़ से जयप्रकाश की रिपोर्ट। क्या अभी छावनी परिषद के द्वारा रामगढ़ के लोगों का पानी बंद कर दिया गया है, सफाई व्यवस्था बंद कर दी गई, सीटाई की व्यवस्था बंद कर दी गई है, तो मेरा सिर्फ यही सवाल है कि रामगढ़ की जनता टैक्स देती है और छावनी परिषद के में और जो नेता जो के लोग के बीच में क्या मामला हो पब्लिक जान रही है। अब इसमें दोषी जनता कहाँ है? आपस के लड़ाई में जनता को क्यों यहाँ पर परेशान किया जाता है? जनता का सुविधा क्यों बंद किया जा रहा है? आम जनता टैक्स देती है, उसका पानी क्यों बंद किया गया? सफाई व्यवस्था क्यों बंद कर दी गई? तो जब तक छावनी परिषद आम जनता का पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था और इस कोरोना महामारी के समय में जो जरूरी सेवा उसको बहाल नहीं करती है, तब तक धनंजय कुमार कुटू सामरण अनशन पर बैठेगा। इसके लिए क्यों ना मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ जाए। तब जब हमेशा मैं जनता के हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाया हूँ, उठाता रहूँगा।